you didn't go really badly. You did try well, but Stokes sort of countered you, especially when you play those two reverse sweeps. Did it really force you to, you know, change line? Because whatever you tried with him, nothing seemed to work. No, I feel I was trying to bowl on the rough outside the off stump, but I felt that he was trying to counter attack me by playing reverse sweep or scoring any attacking shot. So I feel, yeah, it did little bit change my line and length, but I was thinking just to bowl from round the wicket and maybe try and get him out. So I tried that one ball and I think he hit it on the square leg and got out. But I felt like, yeah, he was trying to do it, try to play some attacking shots against me. Kawal, आपसे पूछना चाहेंगे कि मतलब इंडियन टीम में आज ना दोनों टीम में 19 नो बॉल्स हुए, आपके 6 नो बॉल्स हुए, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर 6 नो बॉल, मतलब थोड़ा सा अगर बता सकते कि क्या मैं थोड़ा लेट जंप कर रहा हूँ जो क्रीज से, तो थोड़ा पहले जंप करना था वो, आई फील कि मैं थोड़ा लेट जंप कर रहा हूँ, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है. बट कल ज़्यादा थी, आज उससे कम हुई, तो इट आई नीड टू वर्क दैट ऑन इन द नेट्स आई गेस. नए जमाने में खिलाड़ी को तैयार रहना पड़ता है, मान लिया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट ऐसे तैयारी में रहकर खेलना कितना मुश्किल होता है भाई, क्योंकि इतने लास्ट मिनट तक अनसर्टेनिटी थी कि कौन खेलेगा कौन नहीं, और फट करके आपको और सुंदर को खिलाया गया, तो ऐसे टाइम मेंटली तैयार रहना होना कितना मुश्किल हो जाता है. नहीं, एक्चुअली मैं स्क्वाड में था पहले, स्टैंड बाई स्क्वाड में पहले से था और टीम में, और मेरे को एक दिन पहले ही पता चल गया था शायद आई माइट गेट अ चांस, तो वो मेंटली मैं प्रिपेयर था, ऐसा नहीं था कि मेंटली नहीं प्रिपेयर था या लास्ट मोमेंट में पता चला, मुझे एक दिन पहले पता चल गया था कि शायद आई माइट प्ले टुमारो. अच्छा, बस ये पूछना था कि जब टीम 400-500 ऐसे इजीली बैट कर रही है जैसे जो रूट कर रहे थे, तो टीम का प्लान क्या था आज के दिन के लिए, और आपका पर्सनल रोल क्या दिया गया था आज के लिए? नहीं, बेसिकली प्लान तो इस विकेट में आप एक्चुअली आप अच्छे एरियाज में बॉल कर सकते हैं, यही आपका प्लान होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस विकेट पे अगर विकेट के लिए जाओगे तो यू आर टेंड टू गेट गिव रन्स. तो प्लान यही था हमारा कि अच्छे एरियाज में बॉलिंग डालने की, और अगर उससे अगर बैट्समैन कुछ गलत शॉट खेलता है तो उससे आपको विकेट मिलने के चांसेस होते हैं, तो हमारा प्लान भी वही था और मेरा भी एज अ टीम और मेरा भी यही प्लान था. आज इंडियन टीम वापस तो थोड़ा आई है, मतलब कल 3 विकेट गिरे थे, फिर आज पांचवा विकेट गिरा, बट शांत शर्मा ने जो 2 विकेट बैक टू बैक लिए वो कितने क्रूशियल थे जो इंडियन टीम को थोड़ा सा वापस लाए? नहीं, काफ़ी क्रूशियल थे, क्योंकि उसने बटलर को आउट किया, उसके बाद जो बैट्समैन है जो आर्चर को आउट किया, और बैक टू बैक विकेट मिलने के, और ऐसे विकेट में विकेट मिलने से तो एज अ टीम आप अपलिफ्ट होते हो एज अ टीम, तो मुझे लगता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए, क्योंकि अगर वो 2 विकेट नहीं मिलते तो अभी भी इनके 6 रहते और एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता, तो अभी एक्चुअली एक 2 बॉलर बैटिंग कर रहे हैं, तो एक ये एक अपर हैंड कह सकते हैं. हाय शाबाज, 44 ओवर करने के बाद क्या लग रहा है कि विकेट और कितना वेयर डाउन हो सकता है, और बैट्समैन के लिए डे 3 में क्या और डिफिकल्टी हो सकती है इसके वजह से, क्योंकि हमने देखा कि थर्ड सेशन के बाद से थोड़ा सा ग्रिप करना स्टार्ट हुआ था बॉल. हाँ, बॉल ग्रिप करना स्टार्ट हुआ था क्योंकि बॉल भी बहुत पुरानी हो गई थी, इस वजह से ग्रिप ज़्यादा हो रहा था, बट ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है पिच में, बस एक रफ है जो लेफ्ट हैंडर्स को थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, बट एज अ सेंटर में बीच में विकेट काफ़ी अच्छा है. नहीं, काफ़ी अच्छा लगता है एज दे आर नोन फिगर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और आप उनका विकेट लेते हो, और ख़ासकर ऐसे विकेट पे तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आपने एक प्राइज विकेट लिया और एक पार्टनरशिप तोड़ी अपनी टीम के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है. हाय, अमिताभ फ्रॉम क्रिक व्यू. शाबाज, रूट जो रूट को गेम बॉल करने में कितना दिक्कत, मतलब बहुत ही लंबा खेले, अच्छी खेले, आपका क्या प्लान था उनको अगेंस्ट में बॉलिंग करने में, और स्टोक्स उसके साथ भी खेल रहा था, तो आपका कैसे मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन किस तरह से आपको वर्क करना पड़ा?
नहीं, क्योंकि जो रूट काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं एंड इज प्लेइंग अभी. अब उनका लेटेस्ट फॉर्म आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड ही इज स्वीपिंग, एक्चुअली ही इज स्वीपिंग रियली वेल. तो उनको बॉलिंग करने के लिए आपको प्लान करना पड़ता है कि स्टम्प पे रहें, स्टम्प से बाहर ना जाएं. तो थोड़ा प्रॉब्लम तो एज ए स्पिनर सबको होता है जब कोई बैट्समैन स्वीप करना शुरू कर देता है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टिक विथ योर लाइन एंड लेंथ और वेट फॉर योर टाइम ऑन वेट फॉर बैट्समैन टू मेक अ मिस्टेक. तो वही कर रहे थे हम लोग. I just wanted to ask, looking at today's performance and the mammoth score that England has put up on board, how do you assess the pitch that will be and what how do you assess the pitch and what is your game plan for tomorrow? नहीं, गेम प्लान हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी उनको आउट कर पाएँ, आउट करें. और पिच असेसमेंट की जो बात आप कह रहे हैं, पिच आई फील कि पिच अभी भी इट्स वेरी गुड फॉर बैटिंग. सो आई एम श्योर आवर बैट्समैन विल आल्सो स्कोर अ ह्यूज टोटल.